हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना है। डिजी लॉकर है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। डिजी लॉकर एक सरकारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की ओर से ऐप और वेबसाइट है जिसमें आप अपने सभी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ों को रख सकते हैं। आपके पास पहले से ही कोई डाउनलोडेड अगर दस्तावेज़ है, चाहे वो कोई भी इम्पॉर्टेंट कागज़ हो, आप उसको नेम देके अपलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। वो एक सरकार की ओर से लीगल वेबसाइट है। अगर आप कहीं जाते हैं और आपके पास फिजिकल कागज़ नहीं है तो आप उस वेबसाइट को खोल के उस प्रमाण को, उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप इसमें इशू करा सकते हैं और रख सकते हैं, जैसे कि है आधार, DL, पैन कार्ड, वोटर ID, और भी बहुत सी सर्विस है, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अगर आपको किसी भी मोमेंट कहीं पे भी कोई पुलिस वाला रोकता है और आपके पास फिजिकल कागज़ नहीं है गाड़ी में, तब भी आप डिजी लॉकर ओपन करके आप उनको वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल प्रूफ गवर्नमेंट की ओर से बताया गया है, जिसमें आप दिखाएंगे तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा और वो मान्य होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट को इशू कराना है, और या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास पहले से रखा हुआ है उसको अपलोड करना है। तो आप आएंगे digilocker.gov.in पे। ये इसकी वेबसाइट का URL है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं इस ऐप को, तो देखिए इस ऐप में इस तरह से आप सर्च करेंगे डिजी लॉकर, और इस तरह से आपको ऐप ओपन होगी जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके यूज़ करें या ऐप में इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यूज़ करें। दोनों का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का और आगे के फीचर्स और डाउनलोड का प्रोसेस और अपलोड का प्रोसेस सेम है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के बारे में आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ आप शुरू करने से पहले मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बताया था, देखिए इसमें मोस्ट पॉपुलर सर्विस में देख सकते हैं आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, राशन कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इसी तरह से बहुत से जो भी गवर्नमेंट पॉपुलर सर्विस मिलती हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगी। आप उसके सारे सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, या अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज मिल रही हैं वो भी यहाँ मेंशन है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज जो इसके अंदर हैं वो यहाँ मेंशन है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो भी आप अपलोड कर सकते हैं या आप जो फेच कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, बैंकिंग और इंश्योरेंस से जो सर्विसेज हैं वो भी मेंशन है। आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में व्यू ऑल करके भी देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ इन शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। इसमें जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं टोटल सर्विसेज व्यू ऑल के आगे लिख के आ रही हैं। तो इस तरह से ये सर्विसेज हैं। अब चलते हैं इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इशू कराएंगे हम लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या अपलोड करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप आएंगे साइनअप पे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज आएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी। आप ये डिटेल आधार के बेस पे ही भरिएगा। यहाँ देखिए मेंशन भी है कि एज़ पर आधार, तो आप जो भी डिटेल भरिएगा जो आपके आधार में हो। अगर आपने अभी जल्दी अपना आधार अपडेट कराया है और वो अपडेट नहीं होके आया है तो आप अभी इस पे अकाउंट क्रिएट ना करिएगा। एक बार आपका आधार अपडेट हो जाए उसके बाद ही आप इस पे अकाउंट क्रिएट करिएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ अपने डिटेल्स को यहाँ अपडेट करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं फुल नेम लिखूंगा जो एज पर मेरे आधार पे है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर लिखेंगे जो करंटली आपके यूज़ में हो। तो एक सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ सेट करनी होगी जो कि आप ऐप भी जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ भी आपको सेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर ले रहा हूँ। इस सिक्योरिटी पिन में आप सिर्फ नंबर रख सकते हैं, मतलब ये सिर्फ न्यूमेरिक करेक्टर्स होना चाहिए, कोई अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स यहाँ इंटर नहीं कर सकते आप। तो मैंने ये पिन सेट कर ली है। अब मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करूँगा और यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है वो आप डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर एक OTP सेंड कर दी जाएगी। वो OTP आप यहाँ डाल के सबमिट करेंगे। कुछ सेकंड्स का टाइम होता है। अगर वो उस टाइम में OTP आपके मोबाइल पे नहीं जाती है तो देखिए यहाँ रिसेंट का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। अगर आपके मोबाइल पे रिसीव नहीं हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और OTP को रिसेंट कर सकते हैं। OTP आ गई है, अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक लोडिंग होगी, लोडिंग डिजी लॉकर, और आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं। अब लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं इसमें इश्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इश्यूअर हैं, रिक्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन इतनी है, और यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है। तो आप पहले अपनी ईमेल को वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के लिए यहाँ आपकी ईमेल आईडी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो पहले से आ रही है, बस आपको यहाँ सेंड वेरीफिकेशन लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही देखिए वेरीफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल,
प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई। अब आप अपना ईमेल आईडी खोल के इस पर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ मैं देखिए अपने जीमेल में लॉगिन हो गया हूँ। डिजी लॉकर वेरीफिकेशन का देखिए सेकंड मैसेज पड़ा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए इस तरह से URL है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई, आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ईमेल वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर डिजी लॉकर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर साइन इन पर फिर से क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही देखिए वापस से मुझे ये रिडायरेक्ट करेगा और ऊपर जो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा था अब यहाँ से नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप देखिए ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने जो अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहीं रख रखा है आप उसको अपलोड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने पेन को अपलोड करूँगा तो उसके लिए देखिए मैंने अपने पेन को सेलेक्ट करके क्लिक करा, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो ये देखिए वेट करने के बाद देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट आ गया और ये पैन कार्ड, आप इसका नाम एडिट करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और देखिए जैसे मैं कॉपी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कैपिटल लेटर में सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने पैन कार्ड सेव कर लिया है, बस आपको यहाँ पर बाहर आके क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अपलोड हो गया है और आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम डिजी लॉकर हर पर्सन को 1 GB तक स्टोरेज देता है, तो लेकिन आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा उसको अच्छी क्वालिटी में बनाइएगा, लेकिन हो सके तो साइज़ कम से कम रखिएगा। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली किसी से अगर शेयर करना चाहते हैं तो देखिए शेयर का ऑप्शन आता है, आप इसे ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ईमेल के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आप वापस से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कहीं और हैं और आपको किसी को इसकी फिजिकल कॉपी देनी है, तो आप देखिए जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड भी हो जाएगा, उसको प्रिंट निकलवा के भी दे सकते हैं। क्योंकि हरदम आपके पास फिजिकल पेपर नहीं होगा, लेकिन आपके पास मोबाइल होगा या फिर आप किसी भी कैफ़े में जाके आप अपने मोबाइल में इसको सेव कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड करके क्लिक करके, और उनको व्हाट्सएप से या किसी भी मीडियम के थ्रू दे सकते हैं जिससे वो आपको प्रिंट निकाल के दे दें। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का आप फ्यूचर में यूज़ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन यहाँ डिलीट का, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी फाइलें चाहे उसको प्रॉपरली नेम कर ले और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे शो होकर आने लग जाएगी। और इस तरह से आप मैंने जो बताया वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इशू कैसे कराएंगे अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट अपना इशू कराना है। तो इशू कराने के लिए हम लोग वापस आएंगे इशू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखिए इशू डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं तो यहाँ पे आ रहा है अभी मेरा कोई डॉक्यूमेंट यहाँ इशू नहीं हुआ है। और यहाँ पे चेक द पार्टनर सेक्शन कि कौन से डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए कौन कौन से पार्टनर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे, जो इशूअर होंगे आपको कोई भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए सारे जो भी सर्विसेज थी इशूअर थे वो सब यहाँ आ गए हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना आधार डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपडेट डिजी लॉकर प्रोफाइल टू लेटेस्ट आधार डेटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप कंसर्न देंगे और आपके जो आधार पे मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर एक मैसेज चला जाएगा, तो वो उसमें OTP होगी 6 डिजिट की, वो 6 डिजिट की OTP आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरे पास OTP आ गई है, अब मैं वो OTP यहाँ एंटर करूँगा, उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई OTP पे क्लिक करते ही देखिए योर आधार डेटा वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और ये देखिए पेज रिफ्रेश हो गया, अपडेट मोबाइल नंबर है, अपडेट प्रोफाइल है। इशू डॉक्यूमेंट में आएंगे तो देखिए आप फिर से, तो देखिए मेरा यहाँ पे लेटेस्ट आधार के इंफॉर्मेशन आने लग गई है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो देखिए PDF का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो गया नीचे। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा तो देखिए मेरा जो लेटेस्ट आधार होगा वो यहाँ मुझे शो होने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से मेरा ये आधार आ गया है। ये मास आधार होता है क्योंकि इसमें सिर्फ दिखाना होता है कि हाँ आप जेन्युइन हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं होती, जो आप डाउनलोड करेंगे वो इसी फॉर्म में आएगा डॉट डॉट के फॉर्म में। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इस तरह से क्यों आ रहा है, ये सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन के पर्पज़ के लिए होता है। और उसके बाद आपको देखना है कि और क्या क्या आप इशू करा सकते हैं इसके अंदर से। तो ये देखिए ऑप्शन आ रहा है गेट मोर इशूड डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे इशूअर खुल जाएंगे जो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हो। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या आप डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड भी इशू करा के दिखाता हूँ। तो पैन कार्ड के लिए आना पड़ेगा आपको,
तो पैन कार्ड के लिए आना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर देखिए आया पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए पार्टनर नेम आ गया है ऑटो सेलेक्टेड, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड ऑटो सेलेक्टेड, मेरा नेम ऑटो सेलेक्टेड आ गया है, डेट ऑफ बर्थ भी ऑटो सेलेक्टेड आ गई है और जेंडर भी आ गया है। अब मुझे यहाँ पे बस अपना पैन नंबर लिखना है, मेरे पैन कार्ड पे ऊपर क्या नेम लिखा था वो पूरा नाम मुझे यहाँ लिखना होगा। पूरा नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे कंसर्न देंगे और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही देखिए ये फेच करने लग जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फेच करने का जो पॉपअप आया था आपने देखा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। फेच होते ही देखिए नीचे आ गया योर पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड इज सक्सेसफुल सेव्ड इन योर इशूड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी इशूड हो जाएगा आप फेच करने के बाद, तो आप यहाँ पे देखिए इशूड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है आप फिर यहीं क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने पहले आधार करा था वो शो हो रहा है, अब उसके नीचे पैन वेरिफिकेशन अभी मैंने आपको दिखाया तो देखिए पैन आ गया। अब मैं फिर से इसको PDF पे ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करूँगा जिससे मैं दिखा सकूँ कि किस तरह से आता है। तो देखिए इस तरह से ये कुछ आएगा जिसमें खाली आपका नाम होगा, जेंडर DOB होगी और डिजिटली साइन है और ये बड़ा बड़ा आपका पैन नंबर शो हो रहा है। आप इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि मेरे पास जो ओरिजिनल पेन है वो देखने में कुछ अलग है या मेरे पास जो आधार है वो देखने में अलग है और जो इसमें मैं फेच करता हूँ वो अलग है। ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर्पस से है, ये डिट्टो आपको सेम टू सेम एज इट इज़ नहीं देगा जिस तरह से आपको रिसीव होता है इन्हीं इश्यूअर की ओर से फिजिकल आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ IT की ओर से ये वेबसाइट बनाई गई है जिसमें आप अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डिट्टो सेम टू सेम हर चीज़ चाहिए जैसे आपके पास फिजिकल है तो आप यहां से कोई भी चीज़ इशू मत कराइए, आप डायरेक्टली यहां अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाइए और यहां से अपने पैन, आधार, हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट, जो भी आपके पास कार्ड हो वो सब आप यहां पे अपलोड कर दीजिए और उसको कभी भी किसी भी वक्त यहां से डाउनलोड करिए, फिजिकल कॉपी प्रिंट करा के आप जिसको भी देना है दे सकते हैं। एक ऑप्शन और ये सेलेक्ट डॉक टाइप है, जो भी आप चीज़ अपलोड करें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई बटन पे तो देखेंगे इस तरह से पॉपअप आएगा विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज पैन कार्ड JPG। तो ये आपका नेम होता है तो ये पूछता है कि किस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड करा है। तो यहाँ से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपका जो भी डॉक्यूमेंट है देखिए यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो यहाँ पे छूट सकता हो सरकार की ओर से। तो यहाँ पे आपने जो भी अपलोड करा है देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया जैसे पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और सेव कर देंगे। सेव करते ही देखिए यहाँ पे टैग हो जाएगा कि पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है। तो ये नेम अगर आप गलत डाल भी देते हैं तो यहाँ से आप उसको टैग जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से आप जो जो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे या किसी को ईमेल के थ्रू देंगे तो वो सारे शेयर डॉक्यूमेंट्स में आपके यहाँ दिखने लग जाएंगे। शेयर डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था जैसे कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करा था, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो ईमेल का ऑप्शन आएगा, जो आप यहाँ से किसी को ईमेल कर देंगे वो आपके यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट्स में दिखने लग जाएगा। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है एक्टिविटी का, जब आप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे इशू कराया था तो उसकी नोटिफिकेशन यहाँ आ रही है, तो यहाँ आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशूड कराएंगे तो उसकी सब नोटिफिकेशन यहाँ आने लग जाएगी। उसके बाद यहाँ इश्यूअर्स में आएंगे तो आपको देखें यहाँ सारे इश्यूअर्स दिख रहे हैं, कौन कौन इश्यूअर है, कौन कौन आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकता है अगर उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो। उसके बाद यहाँ रिक्वेस्टर्स देखिए आ रहे हैं, ये सब रिक्वेस्टर्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही बस DigiLocker में है, ये गवर्नमेंट की ओर से है तो इसलिए सिक्योर भी है और पूरी तरह से वैलिड है, आप इसके डॉक्यूमेंट्स कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हैं, कोई इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर मना नहीं कर सकता कि हम इसको नहीं मानते। और देखिए मैंने अभी 2 डॉक्यूमेंट इशू करे थे तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ इशू डॉक्यूमेंट 2 हो गए हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ये क्विक लिंक्स है जो डायरेक्टली आप इश्यूअर की ऑप्शंस दिखा रहे हैं जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स को इशू करा सकते हैं। DigiLocker में लॉगिन करने के लिए आपको वापस से अपना आधार नंबर और सिक्योरिटी पिन डालनी होगी या फिर आप यूज़र नेम से और सिक्योरिटी पिन से भी इंटर कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक OTP जाएगी जिसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा, फिर नई सिक्योरिटी पिन बनानी होगी और इस तरह से आप फॉरगेट करके नई पिन बना के लॉगिन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है DigiLocker को लेकर तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।